तो आज की हमारी इस क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ सम इफ के बारे में। जी हाँ, सम इफ। जैसे कि मेरे पास आप डेटा दिख पा रहे हैं, यहाँ पे डेटा है मेरे पास। अब इस डेटा में मान लीजिए मुझे टोटल पता करना है क्वांटिटी का, तो टोटल के लिए आप जस्ट यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ आपका टोटल शो हो जाएगा। बट मुझे सम विथ कंडीशन करना है कि मुझे यहाँ पूजा का टोटल करना है, तो इस केस के लिए मैं यहाँ सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। सम इफ रेंज, कि कौन सा रेंज है, रेंज सेलेक्ट कर लिया। देन क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया पूजा को सेलेक्ट कर लिया। देन सम रेंज, कि आखिर सम किसको करना है, तो सम करना है हमें क्वांटिटी को। राइट सर, मैं दोबारा बताता हूं। मान लीजिए मुझे सुनील का सम करना है, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा सम विद कंडीशन सम इफ। रेंज हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई सुनील किस में मैच करना है। ओके, सुनील को मैच करना है, सुनील को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मैच होने के बाद किस कॉलम का टोटल चाहिए, तो हमने बोला सी कॉलम का टोटल, तो सुनील का टोटल यहां आ गया। राइट सर, राइट सर, ठीक है सर। अब इसमें यही नहीं, मान लीजिए कि मुझे यहां पे ग्रेटर देन 60 टोटल चाहिए। जैसे ग्रेटर देन 60 पे 2% 2 रुपीज पर क्वांटिटी का ऐसा एक किया गया है, 2 रुपीज क्वांटिटी का। तो मुझे पता करना है कि हमें कितना पे करना पड़ेगा, कितना हमें पे करना पड़ेगा। तो यहां हम सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे। सम इफ हम सिलेक्ट करेंगे क्वांटिटी और यहां पे सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन 60, क्वांटिटी एंड ग्रेटर देन 60। तो रिजल्ट आप देख रहे हैं, आपके सामने यहां आ गया। ठीक है सर, ठीक है सर, बिल्कुल। अब यहां पे एक चीज देखेंगे कि इससे ऊपर में हमने तीन इनपुट्स दिए हुए हैं। राइट सर, जी बट यहाँ पे नहीं, यहां पे दो इनपुट ही क्यों, यहां पे जस्ट हमने दो इनपुट ही क्यों दिया। ऐसा इसलिए, यहां पे ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जिसका सम रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज, सम सेम हो। रेंज एंड क्राइटेरिया रेंज एक ही है, तो सम रेंज देने की जरूरत नहीं है। नहीं, ओके, जिसी जिसमें मैच करना है उसी को अगर ये करना है तो देने की जरूरत नहीं है। नहीं, राइट सर, राइट सर, तो इसलिए यहां पे ऐसा किया गया। उसी तरह से आप लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जैसे चीज आप यहां लगा कर सकते। सकते हैं। उसमें एक चीज और भी होता है, जैसे मान लीजिए कि यहां पे पूजा है एंड पूजा सिंह है, या रवि है रवि सिंह है, या रविकांत सिंह है, तो आप यहां अगर स्टार लगा देते हैं और रवि स्टार लगा देते हैं। अब मैं सम इफ करूंगा, तो सम इफ में रेंज, क्राइटेरिया और यहां पे सम रेंज आ गया सर। तो ये पूरों का ले लेते हैं, रवि जो भी रवि है, हाँ, रवि भी ले लिया, रविकांत भी ले लिया, रवि। तो आपने दोनों तरफ लगाया तो क्या हो गया, कंटेन विद। अगर मैंने बिट रवि लगा दिया तो हो जाएगा एंड विथ, रवि के बाद स्टार लगाया मैंने तो स्टार्ट विथ रवि, मतलब कि दोनों तरफ आप लगाते हैं तो कंटेंड होता है। फर्स्ट स्टार, बोथ स्टार्स इंक्लूड्स ऑल, पूरा आ गया उसमें, और फर्स्ट स्टार लगाए तो नहीं, फर्स्ट स्टार की बात आप गलत बोल रहे हैं। मैं बोला कि अगर आपने दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ स्टार लगाया, आपने आगे और पीछे
दोनों तरफ स्टार्ट लगाया तो हो जाता है स्टार्ट विथ, सॉरी ओके कंटेन कंटेन, माफ कीजिए कंटेन, क्या होता है कंटेन। अगर आपने स्टार्टिंग में स्टार लगाया और बाद में टेक्स्ट लिखे तो जाता है एंड विद। अगर आपने पहले नाम लिखा बाद में स्टार लगाया तो जाता है वो हो जाता है आपका स्टार्ट विद। ओके सर अब मान लीजिए कि मेरे पास यहां पे कोई कुछ कोड है, नाम नहीं है, जैसे H20, ठीक है ना, P21, इस तरह से 3 डिजिट का कोड है। अब कोड जो ओके है कुछ भी हो सकता है, कोड हमारा कुछ भी हो कुछ भी सकता है, तो क्या करें, यहां पे आप 3 क्वेश्चन मार्क लगा दें, क्या करेंगे 3 क्वेश्चन मार्क। 3 क्वेश्चन अब यहां हम करते हैं फॉर्मूला सम इफ का, और सम इफ में हम रेंज ले लेते हैं इसका, और ये ले लिया हमने, और फिर हमने कंटिन्यू लिया। तो जो 3 क्वेश्चन मार्क मैंने दिया ना सर, ये 3 क्वेश्चन मार्क का ये टोटल निकाला। अच्छा, जो भी 3 जैसे H20 है हाँ 3 क्वेश्चन मार्क है, 3 जो भी 3 डिजिट का जो भी है वो सब कुछ सम कर उसका सम अप। ओके देगा, 3 डिजिट के वाले सब कुछ सम कर देगा। 4 दिए तो 4 का करेगा। जी ओके ठीक ठीक है सर। है सर, बिल्कुल क्लियर। अब यहां पे अगर मल्टीपल कंडीशन हुआ तो, जैसे मुझे पूजा का पुणे का टोटल चाहिए, तो यहां हम सम इफ नहीं सम इफ्स लगाएंगे। जब आपके पास मल्टीपल इफ्स कंडीशन हो, जब आपके पास मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन हो तो सम इफ्स का इस्तेमाल किया जाता है। सम इफ्स हमने रेंज ले लिया, जो हमारा रेंज है इसमें पहले रेंज लिया जाता है, ना उसमें लास्ट में हाँ, दिया क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया क्राइटेरिया 2 एंड क्राइटेरिया, रिजल्ट आ गया सर। आ गया सर। इसी तरीके से आप यहां जो है एवरेज इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एवरेज इफ सेम सम इफ की तरह है कि क्राइटेरिया कंडीशन एंड एवरेज इफ, राइट सर, और इस सारे कंडीशन यहां पे आप लगा सकते हो जो कि आपने लगा सम इफ में लगाया है। ऐसी मल्टीपल कंडीशन होगा तो यहां एवरेज इप्स का इस्तेमाल होगा, एवरेज इप्स, एवरेज रेंज, क्राइटेरिया 1 रेंज, क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया 2 रेंज एंड क्राइटेरिया टू क्राइटेरिया 2, ठीक है। ठीक है सर, बिल्कुल। और मान लीजिए काउंट करना है तो काउंट के भी 3 फॉर्मूले होते हैं, काउंट ए मतलब कि काउंट ऑल, वो सब कुछ काउंट करेगा, काउंट ब्लैंक सिर्फ ब्लैंक को काउंट करेगा, काउंट सिर्फ काउंट काम करेगा, ठीक है। और काउंट से नंबर को कॉल कंडीशन के साथ करना है तो काउंट इफ का इस्तेमाल होगा, काउंट इफ, रेंज एंड हमें सुनील को काउंट करना है, सुनील काउंट करके दे दिया। और काउंट इफ में भी सारा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, तो यह किया हुआ है, ठीक है सर। ठीक है सर, बिल्कुल मल्टीपल क्लियर कंडीशन है तो आप यहां पे काउंट इफ्स का इस्तेमाल करें, तो मुझे इसमें से पूजा को और मुझे इसमें से सीटी को काउंट करके बताया, ओनली वन ओके।
ओके सर, अभी फाइल में आपको भेज रहा हूं, इसके साथ कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं, ओके सर, करूँगा। ट्राई कीजिए, अगर दिक्कत होगा तो कॉल कर सकते हैं।